So hello students and welcome to our channel Edu Entertainment. This is our part 3 of our ongoing series on chapter 2 Polynomial Standard 10 Mathematics. So अगर आप हमसे पहले से follow करते आ रहे हैं तो आपको पता ही है कि हमारा जो last topic रह गया इस chapter का वो है division of polynomials. और आपको जो आगे के ये chapter 2 के जो topics अगर आपको वो भी पढ़ना है तो मैं आपको I button link पे आप click कीजिए, link मैं आपको दे दूँगा. तो आप first chapter का भी मेरा हो गया, second chapter का भी मेरा हो गया, तो आप वो भी पहले दो वीडियोस देख लें, इसके बाद ये थर्ड वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसको फटाफट से शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं. तो आप सब भी तैयार हो जाए, तो स्टूडेंट्स जोश के साथ शुरुआत करते हैं. हाउ इज द जोश? हाई सर. हाउ इज द जोश? हाई सर. आई सेड हाउ इज द जोश? हाई सर. सो बच्चों, इस टॉपिक का हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि आपको डिवीजन का बेसिक्स तो पता ही है, बस वही सेम बेसिक्स है. डिविडेंड इक्वल्स टू, ये जो डिविडेंड है जिसको हम पी ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर ये हो गया जो क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे और हमारा जो रिमाइंडर जो बचेगा, तब ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो हमको ये फिर से इक्वेशन मिल जाना चाहिए. तो ये इसका सिंपल बेसिक फॉर्मूला कंसेप्ट है जो आपको पता ही है. तो डिवीजर को जी ऑफ एक्स भी बोलते हैं, क्वेश्चन को क्यू ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं और रिमाइंडर को आर ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं. तो एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं है आपको बोलेंगे कि आप डिविजन दिया है, आपको रिमाइंडर दिया, क्वेश्चन दिया, आप डिवाइजर फाइंड करें. आपको ये बोलेंगे पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स दिए, आप जी ऑफ एक्स फाइंड कीजिए. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जी ऑफ एक्स डिवीजर है, पी ऑफ एक्स डिविडेंड को पी ऑफ एक्स से डिनोट, क्वेश्चन को क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर को आर ऑफ एक्स. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसको फटाफट कर लेते हैं हम. आपको डिविजन पता ही है, आप नाइन्थ में भी किया हुआ है. सॉल्यूशन शुरू करते हैं, आपको पता है कि 2x स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे पहले हमको 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 2x पर हमको तो x स्क्वायर चाहिए तो x x डाल लेंगे, तो हमारा 2x, तो x इंटू 2x, 2x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हमारा 2x इंटू 2 मतलब 4x प्लस 4x माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा माइनस एक्स प्लस वन. ठीक है, अब यहाँ पे हमको यहाँ पे हमारा एक्स तो मौजूद ही है, हमको सिर्फ माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस वन, तो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स और ये हमारा माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा भी प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ये हो गया हमारा आर ऑफ एक्स, ये हो गया हमारा क्यू ऑफ एक्स. तो सारे हमको चार चार टर्म मिल गए, जी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स दिया हुआ था, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स हमने फाइंड किया. अब ऐसा कोई सम में हो सकता है कि आपको पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स दिया हुआ और आपको बोले कि जी ऑफ एक्स फाइंड करो, तो बस आपको ये फॉर्मूला लगानी है. जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको कोई भी एक अननोन होगा और तीन अपने नोन होंगे, तो आपको एक अननोन आप फाइंड कर सकते हैं. ऐसे भी क्वेश्चन दिए हुए. तो स्टूडेंट्स हम मेन कांसेप्ट पे आते हैं कि इस बार हमको क्या करना है. डिवीजन तो हम पहले भी सीख चुके हैं, इसमें हमको क्या करना है, सिंपल कि आपको एक डिविडेंड दिया होगा, एक इक्वेशन दिया होगा. अब ये एक्स क्यूब वाला इक्वेशन है. अब आपको पता है कि आप हमने जो अब तक पढ़ा है वो एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग करके मिडल टर्म को, या माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4ac वाला फॉर्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं. मतलब पर अगर ये तो एक्स क्यूब वाला है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. हमको इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब के, क्यूबिक पॉलीनोमियल है. तो क्यूबिक पॉलीनोमियल का आपको कंसेप्ट पता है, उसमें तीन रूट होंगे, तीन जीरोज होंगे. अब हमको बोला है कि उसका एक सीरीज, जो ये जो पॉलीनोमियल उसका एक जीरो क्या है, एक रूट क्या है, वन है. अब हमको बोला है कि आप दो रूट उसका फाइंड कीजिए, जो दो रूट बच गए, दो जीरोज बच गए वो फाइंड कीजिए. तब क्या करेंगे हम, ये हमारा हमको दिया हुआ है कि ये x की एक वैल्यू 1 है, तो हम 1 को यहां से लिख सकते हैं, इसलिए x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ऐसे बोल सकते हैं. मतलब सिंपल क्या करेंगे कि ये x माइनस 1 को अब ये इक्वेशन से डिवाइड कर लेंगे. मतलब हमारा डिविडेंड ये हो जाएगा, हमारा डिवाइजर ये हो जाएगा, x माइनस 1 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे. हाँ, हम जैसे ही x इस टर्म को, इस पॉलीनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो क्वेश्चन मिलेगा वो x स्क्वायर के टर्म में होगा, मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा. और हमको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम जो थ्योरी सी को उसका इस्तेमाल करते हैं. तो शुरुआत करते हैं.
ये पूरा रब कर लेता हूँ। x माइनस वन से हमको डिवाइड करना ही है, इसको हमको x माइनस वन से डिवाइड करना है, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, हमको x क्यूब चाहिए, यहाँ पे x है तो सिंपली x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब, ये हमारा माइनस x स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसल आउट, माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। अब हमको माइनस टू एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x है तो माइनस टू और हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू एक्स, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये हमारा कैंसल हो जाएगा, ये हमारा माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। अब क्या करेंगे, सिंपली माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा माइनस थ्री एक्स और ये माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री, तो हमारा ये प्लस माइनस, ये हमारा कैंसल और ये भी हमारा कैंसल, हमारा रिमाइंडर जीरो, जीरो रिमाइंडर आना चाहिए वो जरूरी है। तो हमारा हमको एक क्वेश्चन मिल गया क्यू ऑफ एक्स और ये हमारा आर ऑफ एक्स जीरो। अब हमको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ये हमको दिया हुआ था कि एक रूट वन है, हमको दो रूट फाइंड करना है, तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे और हम बाकी बचे दो रूट इस पॉलीनोमियल का फाइंड करेंगे, तो रब कर लेते हैं। हमारा हो जाएगा इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो हमको पता है इसको स्प्लिट करने आसान है बहुत, एक्स स्क्वायर स्प्लिट करेंगे, हमको थ्री लाना है और माइनस करके लाना है, मतलब प्लस थ्री एक्स सॉरी माइनस थ्री एक्स क्योंकि ये माइनस है, प्लस एक्स माइनस थ्री, तो हमारा इक्वल्स तो हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस थ्री, ये प्लस एक्स कॉमन लेंगे प्लस वन कॉमन लेके एक्स माइनस थ्री, हमारा इम्प्लाइज क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री और ये इक्वल्स टू जीरो है, तो इक्वल हम बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू एक माइनस वन है एंड थ्री है, तो हमको तीनों दिन एक्स की वैल्यू मिल गई ये पॉलिनोमियल की, पहले तो हमको वन दी हुई हुई थी, दूसरी हमको क्या मिली माइनस वन, तीसरी हमको क्या मिली प्लस थ्री, तो ये बेसिकली इसका जो हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो नाइन्थ में सीखा था, इसमें हम टेंथ में क्या करना है कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, कोई एक्स रूट दिया होगा या दो रूट दिए होंगे, कोई भी दिया होगा आप मतलब डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन फाइंड कीजिए, वो जो एक्स स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा और आप सॉल्यूशन फाइंड, ये एक्स क्यूब वाला इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर टू फोर वाला भी इक्वेशन हो जाएगा, उसका भी एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, हमको क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमको इसको सारे इसके सारे के सारे जीरोस फाइंड करने हैं, सारे के सारे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, सारे के सारे चारों चार एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पर उसमें हमको इस क्वेश्चन में दो एक्स की वैल्यू पहले से ही दी हुई है, एक बोला है कि एक्स इक्वल्स टू प्लस रूट टू है और बोला है कि दूसरी वैल्यू दूसरा एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट टू है, तो हम इस इक्वेशन से सॉल्व करना शुरू करते हैं, रूट टू को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ इस इक्वेशन, तो हमारा हो जाएगा एक्स माइनस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, और ये इक्वेशन में भी माइनस रूट टू को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो। अब क्या कर रहा हूँ, इस दोनों इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू जीरो हमको ये मिला। अब हम बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे हम, जी ऑफ एक्स, हम ये जो दो रूट दो जीरोस पहले से दिए हुए इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, ये इसको यहाँ पे शिफ्ट करके और दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हमको जो इक्वेशन मिला, हम इसको बोल सकते हैं ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, पर रूट टू थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करके हमने रूट टू को टू में कन्वर्ट कर लिया कर पाए हैं, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू ये हमारा फैक्टर होगा जिसको हम जी ऑफ एक्स बोलेंगे, तो हमारे पास पी ऑफ एक्स भी आ गया, हमारे पास जी ऑफ एक्स भी आ गया, सिंपल है, इससे इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर लेना, तो करते हैं अब आगे बढ़ते हैं।
हमारे इक्वेशन 2x रेस टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और हमको किससे डिवाइड करना है, x पर माइनस 2। एक नोट में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा कि आप एक्स माइनस 1 दिया हुआ है और हमको अंदर एक्स क्यूब माइनस 1 दिया हुआ। अब इस पॉलीनोमियल को इससे डिवाइड करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्यूब है एक्स क्यूब और डायरेक्ट हमारा कॉन्स्टेंट 1 है, जो जिस तो ये हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, हमको सीरीज में होना पड़े। पहले एक्स क्यूब है तो फिर एक्स स्क्वायर का कोई टर्म होना चाहिए, फिर एक्स का कोई टर्म होना चाहिए, फिर कॉन्स्टेंट आना चाहिए। तो इसमें तो कोई है नहीं, तो क्या करेंगे हम एक्स माइनस 1 को ऐसे रहने देंगे। हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब ये हमारा ऐसे कैसे रहेगा प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। तो हम एज्यूम करेंगे 0x स्क्वायर और 0x को जो नहीं था पहला, हमको चाहिए 0x स्क्वायर, मतलब इसका कोई मीनिंग होता है नहीं, 0 ही हो जाता है हमका, हमारा तो जो x माइनस 1 वही कंटिन्यू हो रहा है। पर हमको सॉल्व करना है इस पॉलीनोमियल को, तो हम x क्यूब माइनस 1 ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमको ये सपोजिशन करना ही पड़ेगा। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, कैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में हो सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट ही दिया हुआ, हमारा सीरीज में नहीं हो रहा, क्यूब पहले क्यूबिक क्वाड्रेटिक हमारा मोनो और हमारा कॉन्स्टेंट, तो ये सीरीज फॉर्म होना चाहिए। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या करना है सिंपल, पहले तो 2x स्क्वायर ले लिया क्योंकि हमको यहाँ पे 2 चाहिए और x रेस टू 4 चाहिए, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x रेस टू 4 हमको मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो कि हम ये इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हम मुझे क्यूबिक मिलने के बजाय मुझे स्क्वायर टर्म मिलेगा, तो मेरा यहाँ पे स्क्वायर टर्म है तो हम यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा 4x माइनस 4x स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा कैंसिल, ये हमारा x स्क्वायर क्योंकि ये पॉजिटिव प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर मतलब हमारा x स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं ऐसे ही सीधा नीचे उठा लेंगे। तो हमको जो टर्म हमको मिला है उस वहां पर ही हमको रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं उसका। अब ये हमारा हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, अब हमको हमको क्या चाहिए माइनस 3x स्क्वायर लाना है, मतलब मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको माइनस 3x क्यूब सॉरी x क्यूब है, तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस 3x क्यूब। अभी यहाँ पे भी देखो मुझे x स्क्वायर का टर्म के मिलने के बजाय मुझे x में टर्म मिल रहा है, तो हम इस 6x को भी नीचे उतार लेंगे, अभी हमारा जो हो गया प्लस 6x हम यहाँ रखेंगे, ये हमारा प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल ये भी कैंसिल एक्स स्क्वायर नीचे ये इसको उतारेंगे ये बच गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सिंपल प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0 आर ऑफ एक्स ये और हमको क्यू ऑफ एक्स भी मिल गया। अब आगे का सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, ये हमको क्यू ऑफ एक्स मिल गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप स्प्लिट करेंगे आप इक्वेशन बनेगा दो तो एक्स की एक और वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिलेगी हमको और हमको चार चार वैल्यू हमने फाइंड कर लिए, पहले से दो दिए हुए इस इक्वेशन से दो फाइंड करे हुए, तो मैं देख लेता हूँ क्या है वो दो, तो हमारा वो दो है एक्स इक्वल्स टू 1/2 और 1 1/2 एंड 1 और हमको पहले से x दिया हुआ है माइनस 2 एंड माइनस रूट 2, तो हमको x की ये पॉलीनोमियल में x की चार चार वैल्यूज चार चार जीरोस मिल गए। अभी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से ये कंक्लूजन पे आ जाएंगे, तो आप घर पे ये इक्वेशन ये सम जरूर सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पे ये पूछेंगे पूछते हैं बहुत बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं थोड़ा नंबर चेंज कर सकते हैं पर ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हमारा ये सेकेंड चैप्टर खत्म हुआ पॉलीनोमियल्स, अब हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे बहुत जल्द, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी के लिए आपको बाय बाय, टेक केयर और आपके लिए मस्ती रहेगा।